कोरोना का प्रभाव कम होते ही सरकार ने प्राथमिक स्कूल व विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन विद्यालय खुलते ही अध्यापकों की मनमानी एक बार फिर शुरू हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल ड्रेस पहने कुछ बच्चे रास्ते में जमे खर पतवार को उखाड़ते नजर आ रहे हैं। कोरोना का प्रभाव कम होते ही सरकार ने प्राथमिक स्कूलों को खोलने और विद्यालय में शिक्षा दीक्षा शुरू करने की अनुमति दे दी है। विद्यालय क्या खुले, विद्यालय के अध्यापक एक बार फिर पुरानी कार्यशैली को धार देने में जुट गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्कूल ड्रेस पहने बच्चे रास्ते में जमे खर पतवार को उखाड़ते नजर आ रहे हैं। जब इस वीडियो की पड़ताल की गई तो वीडियो नरही थाना क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र सोहान व अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पिपरा कला नंबर 1 का बताया गया है। इस मामले पर जब विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जानकारी ली गई तो वीडियो सही पाया गया, लेकिन विद्यालय के छोटे छोटे मासूम छात्रों पर वेतन लेने वालों की जिम्मेदारी को थोपने के सवाल पर जवाब हैरान कर देने वाला मिला। यही नहीं, वायरल वीडियो में छात्रों से सफाई करा रहे विद्यालय के हेडमास्टर बच्चों को आदेश देते नजर आए। वहीं इस पूरे मामले पर बीएसए ने कहा कि वीडियो की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। ये आपके द्वारा ये मैटर संज्ञान में हमारे लाया गया है। ये पिपरा कला सोहाओं का मैटर है जो आपके द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो साहब, वीडियो जो आपने भेजा उसे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मैं इस प्रकरण की जांच करवा रहा हूं कहां का मैटर है वास्तव में, और उसके बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। क्या कोई इस तरह का मुख्यमंत्री या कोई आदेश है कि बच्चों से साफ सफाई का काम विद्यालय में लिया जाए? नहीं, ऐसा कोई स्पष्ट आदेश वहाँ से नहीं है, लेकिन वर्तमान में डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है जिसके क्रम में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग भी लगे हुए हैं, हर तरफ सफाई अभियान चालू है, चल रहा है, और बाकी ऐसा कोई स्पष्ट बच्चों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। तो उसे कोई काम कराया जाए सफाई का? जी,